हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आईटीजे में स्वागत है। मैं हूं जयदीप। तो आज हम बात करने वाले हैं एपीक्यूपी थर्ड एडिशन के बारे में। एपीक्यूपी मीन्स एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ट्रेनिंग इंडेक्स है जिसके बेस हम आज की वीडियो को पूरा करने वाले हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा स्टडी मटेरियल चाहिए एपीक्यूपी थर्ड एडिशन के ऊपर, जिसमें कंप्लीट एपीक्यूपी थर्ड एडिशन के बारे में डिस्कस किया हुआ है और जो की चेंज पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए हुए हैं, तो इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फ्रेंड्स, आप उसको वहां से इजीली ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एपीक्यूपी की हिस्ट्री जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो आया था जून 1994 में। उसके बाद सेकेंड एडिशन आया जुलाई 2008 में, और उसके बाद अभी रिसेंटली सेकेंड एडिशन चेंज हो गया है थर्ड एडिशन में, जो हुआ है मार्च 2024 में। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी थर्ड एडिशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो थर्ड एडिशन है हमारा एपीक्यूपी एआईजी मैनुअल का, इसका जो कॉपीराइट है वो फोर्ड, जनरल मोटर और स्टेलेंटिस के पास है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि एपीक्यूपी क्या होता है। एपीक्यूपी मीन्स एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। तो फ्रेंड्स, ये जो एपीक्यूपी है ये एक कोर टूल है जो कि एआईजी ने इशू किया हुआ है, ठीक है। अब टोटल बात करें कोर टूल्स के, तो हमारे पास 6 कोर टूल्स है। आप यहाँ पे एसपीसी, एमएससी, एपीक्यूपी, पीपीएफएफएमई और कंट्रोल प्लान का नाम देख रहे हैं। स्पेसिफिकली आप देखें कंट्रोल प्लान में तो हमने स्टार लगाया हुआ है। स्टार क्यों लगाया हुआ है उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो एपीक्यूपी है इसका अगर सिंपल मीनिंग कहें तो प्रोडक्ट क्वालिटी की अगर हमें जब प्लानिंग करनी है एडवांस में, तो उस समय एपीक्यूपी करना रहेगा, ठीक है। इसके अलावा ये एक स्ट्रक्चर मेथड है जिसमें हम डिफाइन करते हैं और एस्टेब्लिश करते हैं क्राइटेरिया को, जो कि नेसेसरी है टू एंश्योर कि जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है वो मीट हो जाए एडवांस में, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने लास्ट में स्टार लगाया हुआ था कंट्रोल प्लान के ऊपर, वो इसलिए लगाया हुआ था कि वहां पे स्पेसिफिकली कुछ चेंजेस हुआ है सेकेंड एडिशन तक थर्ड एडिशन में, ठीक है। अगर सेकेंड एडिशन में बात करें, उस समय जो कंट्रोल प्लान था वो एक कोर टूल नहीं था, लेकिन अभी रिसेंटली कंट्रोल प्लान को एक कोर टूल बनाया है। अभी जो कोर टूल्स के नंबर्स की बात करें वो 5 से बढ़कर 6 हो गई है, ठीक है। अभी जो कोर टूल्स है वो है एसबीसी, एमएसए, एपीक्यूपी, पीपैप, एफएमईएन, कंट्रोल प्लान, ठीक है। तो मेनली जो स्टार है वो चेंज पॉइंट है जो सेकंड एडिशन से थर्ड एडिशन में आया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एपीक्यूपी करते क्यों है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग की जो कॉम्प्लेक्सिविटी है उसको रिड्यूस करने के लिए हम एपीक्यूपी करते हैं। एपीक्यूपी मेनली कस्टमर और सप्लायर के बीच में होता है, ठीक है। अब इसका जो मेन गोल है वो ये है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सभी के बीच में जो कि एपीक्यूपी के अंदर इन्वॉल्व है, जिससे कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन ऑन टाइम मीट हो जाए, ठीक है। मीन्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन अचीव हो जाए विद द ऑन टाइम, ओके। इसके अलावा बात करें, ये एक कम्युनिकेशन मेथड है जो सिर्फ कस्टमर सप्लायर के बीच में नहीं है, बल्कि सप्लायर और सब सप्लायर के बीच में भी है। मीन्स इसमें सप्लायर, सब सप्लायर, कस्टमर सभी आपस में इन्वॉल्व रहते हैं, सो दैट ऑन टाइम प्रोडक्ट का लॉन्च हो सके और हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी प्लानिंग जो है एडवांस में हो जाए, ठीक है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग का टाइमिंग चार्ट की बात करें तो इसके अंदर टोटल 5 फेजेस हैं। फर्स्ट है प्लान एंड डिफाइन फेज, नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट वेरिफिकेशन, नेक्स्ट है प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट वेरिफिकेशन, नेक्स्ट है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन, और उसके बाद जो लास्ट फेज है वो है फीडबैक असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन। अभी ये जो हमारे फेजेस हैं अगर इनको हम देखें ये पीडीसी साइकिल के अंदर, तो ये प्रॉपरली फिट बैठते हैं। कैसे बैठते हैं? प्लानिंग के अंदर प्लान एंड डिफाइन फेज आ गया, डू के अंदर प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डेवलपमेंट और वेरिफिकेशन दोनों आ गया, ठीक है। चेक के अंदर हमारा प्रोडक्ट और प्रोसेस का वैलिडेशन आ गया, ओके। एक्ट के अंदर हमारा फीडबैक असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन आ गया, ठीक है। तो मीन्स पीडी साइकिल के अंदर फिट हो गया। अब इसमें स्पेसिफिकली आप अगर देखें पीडी साइकिल के अंदर हमने रिव्यू ऑफ लेसन लर्न एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस को ऐड किया हुआ है। वो इसलिए ऐड किया हुआ है इसलिए इसमें इसके अलावा एक स्टार भी लगाया हुआ है रिव्यू के आगे, आप अगर देखेंगे तो, है ना। ये यहाँ पे क्यों ऐड किया गया है? ये पहले नहीं था, ठीक है। तो
इस स्टार का मतलब हम आगे जानेंगे कि ये यहाँ पे हमने स्टार क्यों लगाया हुआ है और ये पीटीजी साइकिल के अंदर ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये एक चेंज पॉइंट है सेकंड एडिशन से थर्ड एडिशन में कि एपीक्यूपी के डेवलपमेंट फेज के अंदर हमें लेसन लर्न और बेस्ट प्रैक्टिस को रिव्यू करना है समय के साथ साथ, समय के रहते हुए, सो दैट कि जो बेस्ट प्रैक्टिस है और जो लेसन लर्न है वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो जाए हमारे डेवलपमेंट फेज के अंदर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे हमने अभी बताया एपीक्यूपी के अंदर टोटल 5 फेजेस हैं। फर्स्ट है प्लानिंग, नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, थर्ड है प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन, और जो लास्ट फेज है वो है हमारा फीडबैक असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन। तो फ्रेंड्स इनके बारे में एक एक करके हम फर्दर डिस्कस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट फेज के बारे में जो है प्लानिंग। तो फ्रेंड्स अब ये प्लानिंग फेज में कुछ इनपुट है और कुछ आउटपुट है। ठीक है, इनपुट जो हमें कंसिडर करना है प्लानिंग करते समय, आउटपुट जो कि प्लानिंग से करने के बाद निकल के आएगा। ठीक है, अब इनपुट में हमें क्या है, एक वॉइस ऑफ कस्टमर, एक बिजनेस प्लानिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, एक प्रोडक्ट या प्रोसेस का बेंचमार्क डाटा, एक प्रोडक्ट या प्रोसेस का अजम्पशन, प्रोडक्ट रिलायबिलिटी स्टडी, कस्टमर इनपुट, इनिशियल क्वालिटी एंड जेडी पावर रिपोर्ट। ठीक है, तो ये सभी इनपुट्स हैं जो हमें कंसिडर करना है प्लानिंग के समय। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे सबसे लास्ट वाला जो है इनिशियल क्वालिटी, जेडी पावर, कंज्यूमर रिपोर्ट में स्टार मार्क हमें लगाया हुआ है। ठीक है, क्यों लगाया हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो होता क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। ये जेडी पावर क्या है, मेनली एक असेसमेंट बॉडी है जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट का, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का मार्केट में देखती है कि किसका जो रिस्पॉन्स है कस्टमर के लिए अच्छा है, किसका खराब है, मीन्स एक तरह से रेटिंग देती है। फॉर एग्जाम्पल टाटा की एक गाड़ी है, मारुति एक गाड़ी है, उन दोनों की गाड़ी का सिमिलर, फॉर एग्जाम्पल हैचबैक बात करें, ठीक है, तो इनका मार्केट में कस्टमर के लिए कैसा कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, मार्केट में क्या वैल्यू है ना, उसके बेस पर वो रेटिंग देगी जेडी पावर। तो एक तरह से ये कुछ इनपुट्स हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर करना है एपीक्यूपी के प्लानिंग फेज के अंदर। अब ये सब होने के बाद कुछ आउटपुट निकल के आएगी जो कि आनी चाहिए प्लानिंग फेज के बाद। ठीक है, मतलब प्लानिंग फेज के अंदर आउटपुट जो निकल के आनी चाहिए वो है डिजाइन गोल। हमें मतलब डिजाइन सेट हो जाना चाहिए कि हमें क्या करना है, कैसे डिजाइन बनाना है। प्रिलिमिनरी बिल ऑफ मटेरियल, हमें प्रिलिमिनरी या हम बात करें बेसिक बिल ऑफ मटेरियल हमें पता होना चाहिए इस प्लानिंग फेज के बाद। ठीक है, प्रिलिमिनरी प्रोसेस फ्लो डायग्राम हमें पता लग जाएगा। ठीक है, कि कैसे कैसे हम प्रोसेस रहेगा प्रोडक्ट को बनाने के लिए, क्या लिस्ट ऑफ स्पेशल या प्रोडक्ट या प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक रहेगी, वो भी एक तरह से हमें आइडिया हो जाएगा इस पर्टिकुलर प्लानिंग फेज के बाद। प्रोडक्ट एश्योरेंस प्लान, या इसके अलावा कुछ और आउटपुट है जिसके आगे हमने स्टार लगाया हुआ है, क्या क्यों लगाया वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है लीडरशिप सपोर्ट, कैपेसिटी प्लानिंग, चेंज मैनेजमेंट इंप्लीमेंटेशन, एपीक्यूपी प्रोग्राम मैट्रिक्स, रिस्क असेसमेंट, मिटिगेशन। तो ये सब कुछ आउटपुट्स हैं जो कि प्लानिंग फेज के बाद आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्टार मार्क हैं क्या है, हम आगे डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम देखा था लास्ट स्लाइड में कुछ स्टार मार्क थे प्लानिंग फेज के इनपुट में, इनिशियल क्वालिटी, जेडी पावर, कंज्यूमर रिपोर्ट का आगे स्टार मार्क था। वो क्यों लगा हुआ था, कि ये इस बार इस इनपुट के अंदर प्लानिंग फेज में ये ऐड हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आउटपुट में एक मैनेजमेंट सपोर्ट जो पहले सेकंड फेज में था वो रिप्लेस हुआ है थर्ड एडिशन के अंदर लीडरशिप सपोर्ट के नाम से, मींस जो मैनेजमेंट का जो वर्ड है ना वो अभी थर्ड एडिशन के अंदर हटा के लीडरशिप का वर्ड को यूज किया गया है। ठीक है, अब इसके अलावा कैपेसिटी प्लानिंग, चेंज मैनेजमेंट इंप्लीमेंटेशन, एपीक्यूपी प्रोग्राम मैट्रिक्स, रिस्क असेसमेंट, मिटिगेशन प्लान, ये सब जो है आउटपुट के अंदर ऐड हुए हैं, इसलिए वहां पे स्टार मार्क लगा हुआ था। ठीक है, अब ये लीडरशिप सपोर्ट क्या है, लीडरशिप सपोर्ट मीन्स हमें प्लानिंग फेज के अंदर हमें ये निकल के आ जाना चाहिए कि हमें हमारे लीडर से क्या सपोर्ट चाहिए। ठीक है, एक्चुअली मैनेजमेंट के साथ इसको इसलिए चेंज किया गया था, एक तो इसको आईटीएफ के साथ एपीक्यूपी को इनलाइन करना था। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा आईटीएफ है इसके अंदर लीडरशिप के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है मैनेजमेंट के ऊपर ना करके, तो इसलिए यहाँ पे लीडरशिप का वर्ड यूज किया गया। इसके अलावा आप देखें
आपका IETF के अंदर क्लोज नंबर 8 के अंदर कैपेसिटी प्लानिंग, चेंज मैनेजमेंट, APQP, प्रोग्राम मैट्रिक्स, रिस्क असेसमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है न्यू डेवलपमेंट में। तो कहीं ना कहीं APQP थर्ड एडिशन के मैनुअल को IETF के साथ लिंक किया गया है और कुछ अपडेट किए गए हैं। जो अपडेट किए गए हैं या चेंज कर किए गए हैं वो हमने अभी डिस्कस किए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अभी नेक्स्ट है हमारा फेज प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट फेज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी कुछ इनपुट है, कुछ आउटपुट है। इनपुट मींस जो हमें कंसिडर करना है इस पर्टिकुलर फेज को करते समय, और आउटपुट जो कि इस पर्टिकुलर फेज के बाद निकल के आना चाहिए। ठीक है, एक तरह से जो इसका इनपुट है वो आउटपुट था प्लानिंग फेज का। अगर आपको अगर इसको देखना हो तो आप वापस स्लाइड्स में जाके देख सकते हैं, बैक जाके वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इनपुट में लिखे हुए हैं वो सेम है जो कि आउटपुट में लिखे हुए थे प्लानिंग फेज के अंदर। ठीक है, तो वो सब हमारे इनपुट्स हैं। इसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लास्ट में डिस्कस कर चुके हैं। आउटपुट में जो इस फेज के अंदर निकल के आएगा है ना, वो आएगा DFME, मींस डिजाइन फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। मींस इस पर्टिकुलर फेज के अंदर DFME बन जाना चाहिए। DFM, DFA या DFS, मींस हमें डिजाइनिंग कैसे करनी है, मैन्युफैक्चरिंग को ध्यान में रखते हुए, असेंबली को ध्यान में रखते हुए, सर्विस को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो वो यहाँ पे आउटपुट निकल के आएगा। अब यहाँ पे सर्विस के ऊपर स्टार मार्क है, क्यों है हम आगे डिस्कस करेंगे। डिजाइन रिव्यू एंड वेरिफिकेशन, ठीक है, तो ये भी इस पर्टिकुलर फेज के अंदर निकल के आएगा। प्रोटोटाइप की बिल्डिंग भी इस पर्टिकुलर फेज के अंदर हो जानी चाहिए। प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान भी इस पर्टिकुलर फेज के अंदर बनेगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग स्पेसिफिकेशन भी इसी पर्टिकुलर फेज के अंदर बनेगी। मटेरियल स्पेसिफिकेशन भी डिफाइन हो जाएगा, डिसाइड हो जाएगा इस पर्टिकुलर फेज के अंदर। और इक्विपमेंट टूलिंग एंड फैसिलिटी की प्लानिंग भी इसी फेज के अंदर हो जाएगी कि क्या अभी जो करंटली हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सफिशियंट है या हमें कुछ चेंज करना है, वो हमें इस फेज के अंदर ही डिसाइड करना है। उसके बाद प्रोडक्ट या प्रोसेस की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक अगर कोई चाहिए या डिफाइन करनी है वो भी इस फेज के अंदर हो जाएगा। ठीक है, या गेज या टेस्टिंग इक्विपमेंट की अगर कोई रिक्वायरमेंट है वो भी इसके अंदर हमें कंसिडर करना है। और फिजिबिलिटी, कमिटमेंट और लीडरशिप वो भी हमें इस पर्टिकुलर फेज के अंदर कंसीडर करना है एज ए आउटपुट। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हमें लास्ट स्लाइड में देखे कुछ स्टार मार्क लगे हुए थे। ठीक है, स्टार मार्क मेनली वो क्या थे, वो चेंजेस थे जो कि सेकंड एडिशन से थर्ड एडिशन में हुए हैं। प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट फेज के इनपुट के अंदर कुछ स्टार मार्क लगे हुए थे। इनके बारे में ऑलरेडी हमने लास्ट जो प्लानिंग फेज है उसके आउटपुट के अंदर डिस्कस किया है। ठीक है, कि वो क्या चेंज पॉइंट थे वो डिस्कस किया है। अभी हम बात करेंगे प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट फेज आउटपुट के अंदर क्या चेंज है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स हमने सर्विस के ऊपर एक स्टार मार्क लगाया हुआ था। वो क्यों लगाया हुआ था, कि इस बार डिजाइन फॉर सर्विस भी ऐड हुआ है APQP के सेकंड फेज के अंदर। मींस हमें प्रोडक्ट डिजाइन करते समय हमें डिजाइन फॉर सर्विस को भी कंसिडर करना है। ठीक है, इसके अलावा एक जो बेसिक चेंज है कि लीडरशिप का नया वर्ड आया है मैनेजमेंट की जगह। मींस लीडरशिप सपोर्ट को अभी हमें मेन प्रेफरेंस दी गई है मैनेजमेंट सपोर्ट से ज्यादा। ठीक है, इसलिए ये वर्ड जो है रिप्लेस किया है। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस है, नेक्स्ट फर्दर डिस्कस करते हैं। थर्ड फेज आता है हमारा प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट फेज। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो हमारा प्रोसेस डिजाइन डेवलपमेंट फेज है इसके कुछ इनपुट्स हैं, कुछ आउटपुट हैं। सेम इनपुट जो हमें कंसिडर करना है इस पर्टिकुलर फेज के अंदर, और आउटपुट जो कि हमें इस पर्टिकुलर फेज के अंदर चाहिए। ठीक है, अब इनपुट में सेम वही इनपुट है जो आउटपुट थी एक तरह से प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट की। मींस प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट जो मैं जो आउटपुट है वही सेम इनपुट है प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट की। इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। अब इस पर्टिकुलर फेज के जो आउटपुट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इस पर्टिकुलर फेज के बाद कुछ चीजें हो जानी चाहिए एज ए आउटपुट जो हमें होनी चाहिए, वो है पैकिंग स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन। मीन्स हमें पैकेजिंग स्टैंडर्ड के बारे में क्लैरिटी आ जानी चाहिए और डिफाइन कर देना है हमें कि क्या पैकेजिंग स्टैंडर्ड रखेंगे जिस प्रोडक्ट का हमें डेवलप कर रहे हैं। प्रोडक्ट या प्रोसेस का क्वालिटी सिस्टम रिव्यू, कि मीन्स प्रोसेस या प्रोडक्ट को कैसे कैसे कब कब वेरीफाई करेंगे। ठीक है, प्रोसेस फ्लो चार्ट एंड फ्लोर प्लान लेआउट। प्रोसेस फ्लो चार्ट का प्रिलिमिनरी पहले हो गया था, अभी जो फाइनल है इस फेज के अंदर डिसाइड हो जाना चाहिए। फ्लोर प्लान लेआउट, कि हमें इंस्ट्रूमेंट को, हमारे मशीन्स को कैसे लेआउटिंग करनी है, हमें फ्लोर कैसे लेआउट बनाना है ना, सिंगल पीस फ्लोर रखना है या बैच फ्लोर का रखना है, वो हमें इस पर्टिकुलर फेज के अंदर डिफाइन करना है। PFME मीन्स प्रोसेस फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस,
वो भी इस पर्टिकुलर फेज के अंदर हमें डिफाइन कर देना है। प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान, पहले जो था आपका प्रोटो कंट्रोल प्लान था, जो कि लास्ट प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट का आउटपुट था। इस प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट का आउटपुट है, वो है प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान। प्रोसेस इंस्ट्रक्शन, वो भी हमें इस पर्टिकुलर फेज के अंदर बन जाना चाहिए कि प्रोसेस में कैसे कैसे क्या क्या करना है, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट और प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है वो मीट हो जाए। एमएसए और एसपीसी, उनका प्लान, ठीक है, वो भी हमारे इस फेज के अंदर बन जाना चाहिए, और लीडरशिप सपोर्ट, ठीक है। तो ये कुछ आउटपुट है जो कि इस पर्टिकुलर फेज के अंदर हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे भी कुछ टर्म मार्क है, क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट के इनपुट फेज के अंदर जो चेंजेस हैं, है ना, ये ऑलरेडी हमने लास्ट डिस्कस कर लिया है, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट फेज के अंदर। अब यहाँ पे बात करते हैं मेनली प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट फेज के आउटपुट के अंदर क्या चेंज है। इसमें सेम वही बेसिक चेंज है कि हम लीडरशिप सपोर्ट को हमें यूज करना एज ए वर्ड इंस्टीड ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने आपको बताया कि आईटीएफ के साथ कहीं ना कहीं इसको इलाइन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन, ठीक है। इसके अंदर जो इनपुट है वो सेम आउटपुट थी प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट की, ठीक है। मींस सेम वो जो आउटपुट थी वो यहाँ पे इनपुट बन गया इस पर्टिकुलर फेज के अंदर। अब इसके कुछ आउटपुट है इस पर्टिकुलर फेज की, क्या क्या है? सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन रन, एमएसए, एसपीसी स्टडी, प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल, प्रोडक्शन वैलिडेशन टेस्टिंग, पैकेजिंग इवेल्यूएशन, प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान एंड क्वालिटी प्लानिंग साइन ऑफ एंड मैनेजमेंट सपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे भी कुछ स्टार मार्क है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन रन क्या है? मेनली जब हमने प्रोडक्ट डेवलप किया, प्रोडक्ट का डिजाइन डेवलप किया, प्रोसेस डिजाइन डेवलप किया, तो हमें अब प्रोडक्ट को चला के देखना है पर्टिकुलर प्रोसेस के ऊपर जो कि हमने डिसाइड किया, ठीक है। तो एक तरह से हम कहें एक पर्टिकुलर बैच या एक छोटा सा अमाउंट की प्रोडक्शन हम करेंगे, जैसे कि 300 पीस हो गया या 8 घंटे की प्रोडक्शन होगी, है ना। इस तरह से हम प्रोडक्शन को चला के देखेंगे, ठीक है, जिससे कि हमें जो प्रॉब्लम्स आने वाली है फ्यूचर में वो हमें एडवांस में पता लग जाए, ठीक है। एमएसए स्टडी, हमने जो मेजरमेंट सिस्टम यूज किया था इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट के अंदर, तो यहाँ पे हमें उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का या मेजरमेंट सिस्टम का हमें एमएसए स्टडी करना है। एसपीसी स्टडी करनी है यहाँ पे हमें, ठीक है। प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल मीन्स पीपैप की अगर रिक्वायरमेंट है इंटरनल तो वो भी करनी है, ठीक है। और हमें पार्ट को अप्रूव करना है कि हाँ हमारा जो पार्ट बन रहा है वो कस्टम रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। प्रोडक्शन वैलिडेशन टेस्टिंग, कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको वैलिडेट करना है कि वो जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। पैकेजिंग का इवेल्यूएशन, हमने लास्ट फेज में पैकेजिंग का स्टैंडर्ड डिफाइन किया था, लेकिन अभी हमें उसको इवेल्यूएट करना है कि जो डिफाइन किया था वो सही है या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान, हमें वो इस फेज में बनाना है। लास्ट फेज में हमने प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान बनाया था, लेकिन इस फेज में हमें प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान बनाना है, ठीक है। एंड क्वालिटी प्लानिंग साइन ऑफ, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्वालिटी प्लानिंग का साइन ऑफ कर देना है। इसमें मेनली क्या होगा कि आगे बाद मीन्स लॉन्च के बाद जब प्रोडक्शन में प्रोडक्ट आएगा उस समय कौन कौन से क्वालिटी पैरामीटर्स रहेंगे जो कि हमें मॉनिटरिंग करना है, मेजर करना है, सो दैट कि जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है फ्यूचर में मेट होती रहे, ठीक है। तो वो एक साइन ऑफ यहाँ पे करना रहेगा एंड मैनेजमेंट सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ स्टार मार्क है, स्टार मार्क जो थे वो सेम कॉमन थे जो चेंज है सेकेंड एडिशन में, थर्ड एडिशन में, कि लीडरशिप सपोर्ट जो है वो वर्ड यूज किया गया है इंस्टेड ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट, ठीक है। क्यों किया गया है? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि आईटीएफ के साथ कहीं ना कहीं इसको इनलाइन कर रहे हैं, जो हमारा सिक्स क्लोज है इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट थी उसको बेस पे, ठीक है। आगे चलते हैं, लास्ट फेज आता है हमारा फीडबैक असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन, ठीक है। इस फेज के अंदर सेम जो इनपुट है वो आउटपुट थी लास्ट फेज की, मीन्स प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन की जो आउटपुट थी वो इनपुट बन गई इस पर्टिकुलर फेज की। अब इसकी कुछ आउटपुट है, क्या आउटपुट है इस पर्टिकुलर फेज की? रिड्यूस वेरिएशन, मीन्स अभी तक हमने प्रोडक्ट को डेवलप कर लिया, डिजाइन कर लिया, प्रोसेस को डिजाइन एंड डेवलप कर लिया, ठीक है, उनको वैलिडेट भी कर लिया। वैलिडेट करने के बाद अब हमें क्या करना है,
ये कंटिन्यूस प्रोसेस है कि हमें अपने वेरिएशन को रिड्यूस करना है, मींस प्रोसेस में जो वेरिएशन है उसको धीरे धीरे कम करते रहना है, सो दैट कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है कहीं ना कहीं मीट से हम इसको एक्सीड कर जाए। अभी हम मीट कर रहे हैं, हमें उसको एक्सीड करना है, ठीक है। हमें कंट्रोल चार्ट यूज करना है, स्टेटिस्टिकल टेक्निक यूज करनी है, जिससे कि हम वेरिएशन को रिड्यूस करें, ठीक है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव कर पाए, इसलिए हमें इसे करना है इसको। इसके अलावा डिलीवरी और सर्विस की जो रिक्वायरमेंट है वो भी इम्प्रूव हो जाए, ठीक है, मीन्स सप्लायर कस्टमर का जो पार्टनरशिप है प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसको इंक्रीज करना है ना कहीं ना कहीं, तो जो इस पार्टनरशिप है ये थोड़ा सा इनहेंस होगा तभी डिलीवरी और सर्विस जो है वो अच्छी हो पाएगी। और इफेक्टिव यूज ऑफ लेसन लर्न एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है, जो भी हमने सीखा है, जो भी अच्छी चीजें हमने सीखी है उसको इफेक्टिव यूज करते रहना है फॉर द फर्दर इनहेंसमेंट, फॉर द फर्दर इंप्रूवमेंट ऑफ अवर प्रोसेस, ठीक है। तो ये हमारा 5 फेजेस है जिनके इनपुट्स एंड आउटपुट के बेस पे अल्टीमेटली हमें अपना प्रोडक्ट का डेवलप करना है, ठीक है। स्टार्ट हुआ प्लान फेज से और खत्म होगा हमारे फीडबैक असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन से, मींस ये एक पीडीसी साइकिल है, ठीक है। पीडीसी साइकिल में क्या है, प्लान हुआ, डू हुआ, चेक हुआ, एक्ट में क्या है, इंप्रूव फर्दर ऑन, ठीक है। तो ये हमारा पीडीसी साइकिल हो गया एक तरह से। अब इसमें भी सेम कुछ स्टार मार्क थे, स्टार मार्क में क्या था कि लीडरशिप सपोर्ट का वर्ड को यूज किया गया है, किसके जगह, मैनेजमेंट सपोर्ट के जगह, क्यों किया गया है, सेम ऑलरेडी डिस्कस किया आईआईटीएफ के बेस के बेस पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा जिससे मुझे भी आपको पता लगे कि हाँ आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा जिससे वो भी इसके बारे में सीख सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो बेल आइकन है उसको भी जरूर दबा दें जिससे कि आपको समय समय पर पता लगता रहे कि हमारी वीडियो आई है, आप उसको इजीली देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए शुक्रिया एंड बाय बाय।